व्यूअर्स, दिस इज स्माइली फ्रॉम शो मी रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं पोहा कचौरी। पोहा कचौरी के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है, मैंने पोहा लिया हुआ है, पोहा को सो करके रखा हुआ आधे घंटे के लिए। मैंने ये वाटी लिया हुआ है पोहा के लिए, मैंने ये एक वाटी पोहा लिया हुआ है और इसी वाटी में मैंने पानी का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो हमने लिया हुआ है एक वाटी पोहा और आधा वाटी पानी। तीन आलू बॉईल करके स्मैश किया हुआ है, स्मॉल साइज के आलू लिए मैंने तेल फ्राई करने के लिए। मैंने मसाले में लिया है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आमचूर पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, कसूरी मेथी और आउटर लेयर के लिए मैंने लिया हुआ है कोथमीर, कटी हुई मिर्ची, शुगर, नमक, अदरक लहसुन पेस्ट और आधा नींबू। लेट्स स्टार्ट। अब हम ये पोहा को अच्छी तरह से स्मैश करना है, बिकॉज ये हमारा आउटर कवर है, इससे थोड़ा पानी लगेगा। तो अब डालिए और अच्छी तरह से स्मैश कीजिए। हमने पोहा को अच्छी तरह से स्मैश किया हुआ है हाथ से। अब हम डालते हैं नींबू, मैंने आधा छोटा नींबू लिया हुआ है। नमक, अदरक लहसुन, कोथमीर, मिर्ची और शक्कर, इसे डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कीजिए। ये हुआ अपना आउटर कवरिंग। अब हम लेते हैं दूसरा बोल और उसमें डालते हैं बॉयल स्मैश्ड पोटैटोस। इसके साथ डालते हैं कसूरी मेथी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह हमने आलू का स्टफिंग रेडी किया हुआ है। यहाँ पे हमने आउटर लेयर और स्टफिंग रेडी करके रखा हुआ है। अब हम लेते हैं पोहा का मिक्सचर, इसे फ्लैट करते हैं इस तरह और स्टफिंग को डालते हैं और इस तरह हम स्टफिंग को भर लेते हैं। और एक कचौरी आपको बताती हूँ मैं, स्टफ करके इस तरह हमें फ्लैट करना है और हमें आलू का स्टफिंग इस तरह से भरना है, इस तरह से हमें स्टफ करना है और इस तरह कचौरी तलने के लिए रेडी है। पोहा कचौरी इज रेडी टू फ्राई। जब तेल गर्म हो जाए तो आप कचौरी को तेल में फ्राई करने के लिए डालिए। तेल को गरम करने के लिए रखिए और जब तेल गरम हो जाए तो गैस मीडियम करके कचौरी को फ्राई कीजिए और गैस का फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। अब मैं इसे टर्न कर रही हूँ। पोहा कचौरी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। देखो कैसे गोल्डन क्रिस्प कलर आया हुआ है, कितना यम्मी लग रहा है।
पोहा कचौरी इज ऑलमोस्ट डन, गोल्डन क्रिस्प कलर आया है, इट्स रेडी टू सर्व। पोहा कचौरी इज रेडी टू सर्व, लेट्स सर्व इट। सो हियर इज योर पोहा कचौरी रेडी टू सर्व। पोहा कचौरी आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग टी टाइम स्नैक सर्व कर सकते हो। यह यम्मी डिश है, प्लीज ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए भूलना नहीं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी तरह इंटरेस्टिंग रेसिपी के लिए देखते रहना शो मी रेसिपीज। बाय।